हेलो गाइस, मेरा नाम है सैदुल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो सैदुल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइव गोल्डन रूल्स ऑफ क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट के बारे में पांच रूल्स जानेंगे, क्या क्या रूल्स है उसी के बारे में। गाइस, ऐसा होता है कि हम लोग का कभी भी हम लोग क्रिप्टो मार्केट पे जाते हैं, कोई भी कॉइन को अंदाजे उटपटांग खरीद लेते हैं। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कौन सा कॉइन को खरीदना चाहिए और कौन सा कॉइन को खरीदना नहीं चाहिए और कब मार्केट पे एंटर करना चाहिए और कब मार्केट से निकलना चाहिए। गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत ही अच्छा तरह से इनकम करते हैं लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं और कोई भी कॉइन को खरीदते हैं उससे हम लोग का लॉस हो जाता है, उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं होता है और वो स्कैम कॉइन निकलता है और वो लेके भाग जाता है, सारा पैसा हम लोग का जीरो हो जाता है। लेकिन आपको यह पता रहेगा कौन सा कॉइन खरीदना है और किस तरह से खरीदना है, कब खरीदना है, तो आप कभी भी क्रिप्टो मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। तो गाइस, फाइव रूल्स को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। तो गाइस, रूल नंबर वन, रिसर्च। आप कोई भी कॉइन को खरीदेंगे तो उससे पहले आप उस कॉइन के ऊपर रिसर्च कीजिएगा, उस कॉइन का फंडामेंटल क्या है, उसका सारा इकोसिस्टम किस तरह से है, उसके ऊपर क्या क्या प्लेटफॉर्म चल रहा है, वो कब आया मार्केट पे और कब से चल रहा है, उसका भविष्य में कितना रेट था, पहले कितना रेट था और फ्यूचर में उसका कितना तक जा सकता है, उसको आप रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही आप कॉइन को खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रोकर आए और आपको बोले कि ये कॉइन को खरीद लो, ये कॉइन बहुत ही अच्छा है, आप उस तरह से वो कॉइन को नहीं खरीदना है। आप पहले रिसर्च करेंगे खुद से, उसके बाद ही आप खरीदेंगे। रूल नंबर टू, थिंक अ लॉन्ग टर्म, मिनिमम 3 ईयर। आप कोई भी कॉइन को खरीदते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 3 ईयर तक रुकना है, 3 साल तक उसको वेट करना है, खरीद के रुकना है। ऐसा नहीं कि तुरंत बाय किया सेल कर दिया, आपको 3 ईयर तक रुकना है, उसके बाद ही कुछ कदम लेना है। मिनिमम 3 ईयर, आप ज्यादा ज्यादा कितनों ही रख सकते हो। रूल नंबर 3, नेवर सेल एट लॉस। मतलब आपको कोई भी कॉइन खरीदते हैं तो आप उस कॉइन को कभी भी लॉस में नहीं सेल करेंगे, मतलब आपको कम दाम में कभी भी नहीं बेचना है। सपोज दैट अगर आप 20 रुपए में बाय किए कोई भी कॉइन को और उसका रेट 15 आ गया तो आपको ऐसा डरना नहीं है, मार्केट में डरना नहीं है, सेल नहीं करना है अंदाजी। रूल नंबर 4, ओनली इन्वेस्ट मनी यू कैन अफोर्ड अ लॉस। मतलब आप वही पैसा को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो जिसको आप लॉस हुए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप उस पैसे को लगाए जिससे आप कुछ खो भी जाए तो पैसा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि गाइस, अगर हम लोग क्रिप्टो मार्केट पे देखें तो वो कब अप जाएगा, कब डाउन आएगा, वो किसी को पता नहीं रहता है। इसी कारण से आपको वही पैसा को लगाना चाहिए जो पैसा को आप खो भी दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4, बाय लो प्राइस एंड सेल हाई प्राइस। मतलब आपको कोई भी कॉइन को बाय करे तो आप उसको लो प्राइस का वेट कीजिए तभी आप बाय कीजिए। ऐसा नहीं है कि हाई प्राइस पे है और उसको मैं बाय कर लिया और लो प्राइस पे सेल कर देते हैं हम लोग डर जाने के कारण। जैसे गाइस, बहुत बार ऐसा होता है हम लोग से भी डरते हैं कि अब जाएगा कि नहीं जाएगा। सपोज दैट अभी अगर बिटकॉइन का एग्जांपल ले, बिटकॉइन जैसे कि रेट बढ़ने लगता है, जैसे 50 लाख 45 लाख इस तरह से जाने लगता है रेट, तो हम लोग को लगता है हाँ अब बाय करने का टाइम है, ये अभी करोड़ भी पार करेगा। लेकिन गाइस, उस टाइम रहता है सेल करने का टाइम। जैसे कि अभी अगर हम लोग देखे बिटकॉइन एकदम लो प्राइस पे आया हुआ है, लो मतलब अभी देखे अराउंड 16 से 17 लाख के अराउंड में, वो अभी बाय करने का टाइम, हम लोग उसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको मेरे कहने पे बाय करना है, आप कुछ भी कीजिएगा उसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ कदम उठाइएगा, मेरे कहने पे आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए।